गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ऑडियो क्लासेस। आई होप एवरीवन इज फाइन। टुडे आई विल बी टेकिंग अ क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 9, दैट इज सॉइल। वी हैव ऑलरेडी डन अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी स्टडीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज सॉइल। I hope everyone is well aware of the fact which we studied in last lesson that how important soil is. है ना, हमने किया था कि natural resources, पहले हमने किया था कि क्या होता है कि natural resources वो resources जो हमें nature से मिलते हैं और जो हमारे बहुत सारे कामों काम आते हैं और हमें free of cost हमें nature देती है और हम उन resources को अपने लिए use करते हैं, है ना। तो उनमें से एक सबसे important natural resource था soil, जिसके बारे में हमने किया था कि सॉइल क्या होता है, कैसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वो किस किस काम आता है, है ना। तो हमारे एग्रीकल्चर के काम, हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें क्लोथिंग प्रोवाइड करता है, हमें शेल्टर, हमें जो फर्नीचर चाहिए, जो हमें खाने के लिए प्लांट क्रॉप्स चाहिए, जो हमें शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग जैसे कॉटन प्लांट्स वगैरह, वो सब कहाँ ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं सॉइल में। इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, है ना। हमने किया था, फिर हमने आपको ये भी हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉइल किस किस टाइप के हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सॉइल के एक दो सैंपल्स खुद ही अपने घर के आसपास के एरिया से कलेक्ट करें, कुछ अपने घर से कलेक्ट करें, अपने घर के गार्डन से कलेक्ट करें, कुछ रोड साइड से कलेक्ट करें, कुछ वहाँ से कलेक्ट करें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम उसमें देखने से ही हम उसमें डिफरेंस फील कर सकते हैं, है ना। कुछ जो हम उधर से लेंगे ना अपने गार्डन से, वो बहुत सॉफ्ट सा होगा एज कम्पेयर टू जो हम रोड से ला रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो हम किसी जगह कंस्ट्रक्शन लगी वहाँ से ला रहे हैं। तो हम उसको जब हम फील करेंगे, हम देख भी सकते हैं, देखने में भी हमें उसमें कलर में भी डिफरेंस लगेगा, उसके टेक्सचर में भी डिफरेंस लगेगा, और उसमें आप फील करेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है, है ना। जो हम गार्डन से लेंगे ना, हमें उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े भी नज़र आएंगे, छोटे छोटे वॉर्म्स भी नज़र आएंगे। तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस हैं। ये बहुत सारे सैंपल्स अगर हम कलेक्ट करके उनमें देखें, ये देखने से हमें इतने डिफरेंस पता चलते हैं, तो अगर हम और सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉइल को की कितनी सारी लेयर्स होती है ना, मतलब वो कैसे सॉइल जो है वो बनता कैसे है, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने याद अगर हम वो हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग, है ना। वेदरिंग, वेदरिंग का क्या प्रोसेस होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, है ना। बहुत सारे सालों से कुछ रॉक्स जो होते हैं उस पर विंड का एक्शन होता है, पानी एकदम जल्दी थोड़ी सॉइल बन जाता है, इसको बहुत टाइम लगता है बनने में और हमें अवेलेबल होता है। हमारे अर्थ में, हमारी नेचर में ये प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चल रहे हैं और हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं। वो हम अगर प्रोसेसेस डीपली अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत मुश्किल हैं। हम अब आप देखो, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको पता है कि उसमें क्या हो जाता है, चोकिंग हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, है ना। तो आप अगर जिनको ये कोरोना वायरस हुआ है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक लगाने पड़ रहे थे, कितने ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, और वो इतने कॉस्टली थे, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही थी, उनके प्लांट्स लगते हैं जिनसे ऑक्सीजन सप्लाई, आर्टिफिशियल प्लांट जिनसे वो मशीनरी से वो ऑक्सीजन डेवलप आर्टिफिशली होती है और सारी पाइप्स के थ्रू पेशेंट्स को मिलती है। और अगर आप नोट करें कि हमें तो नेचर, हम अभी भी अगर हम बैठे, हमें नेचर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दे रही है, हम सांस 24 घंटे सांस ले रहे हैं, और हम सब 24 घंटे सांस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, तो हमारे नेचर जो है हमें प्रोवाइड कर रही है ये सब ऑक्सीजन, है ना। आप देखो प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है जो कि ऑक्सीजन देते हैं, और वो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये ऑक्सीजन भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है, जो नेचुरल गैस जो हमें नेचर से मिल रही है, और हम उसका मिसयूज, अगर हम इतनी गंदगी फैलाएंगे, इतना गंद पोल्यूशन फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाएगी,
तो क्या होगा, हमें जो है इजीली जो है इंपॉर्टेंट गेस्ट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं कि हमारी जनरेशन और आने वाली जितनी भी आगे जनरेशन है उनके लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। अच्छे, कोई वेस्ट नहीं करना है, उनका बिल्कुल जुडिशियस यूज़ करना है ताकि जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो सबके लिए अवेलेबल भी हो और आगे आने वाली जेनरेशंस के लिए भी बचे रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि ये जो रॉक्स हैं कंटिन्यूसली इस पे जब विंड वाटर क्लाइमेट ये सब एक्ट करता है ना, तो वो टूट टूट के टुकड़ों में आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है, जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके साथ मिक्स होकर सॉयल बनता है। ठीक है, इसको बहुत सारा टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस से सॉयल बनता है। तो हमने ये प्रोसेस भी समझा था और आपने ये भी मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ सॉयल की, कि किस किस हिसाब का सॉयल होगा, वो डिपेंड करता है कि किस रॉक से वो डेवलप हुआ है। ठीक है, और किस एरिया में वो डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ की विंड कैसे चलती हैं, वहाँ का रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सब फैक्टर्स जो हैं सॉयल की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी बेस पे हमने ये भी किया था कि सॉयल प्रोफाइल क्या होता है। सॉयल प्रोफाइल क्या था, जिसमें हमने स्टडी किया था डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉयल के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सॉयल प्रोफाइल की बात करें, अगर हम अपने क्लास में ही, अगर आप अभी घर हैं तो घर में ही आप क्या करेंगे, गार्डन का सॉयल लेके एक ग्लास पानी में उसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे, तो आप खुद नोट करेंगे कि उसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती है। जो सूखा सूखा उसमें थोड़े से प्लांट्स होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगे, जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं जैसे उसमें कोई पत्थर है, नुकीले पत्थर है, वो नीचे बैठ जाएंगे, डार्क पार्ट जो है वो आपको नीचे नीचे दिखेगा, ऊपर लाइट पार्ट दिखेगा, तो ये बहुत सारी लेयर्स बना देता है। वैसे ही नेचर में, ग्राउंड में सॉइल कैसे प्रेजेंट होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट लेयर्स को सॉइल प्रोफाइल। लेयर्स ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ makes a soil profile in which different layers are formed, right? Number first layer, the topmost layer. Now when we talk about the topmost layer, it is known as the, ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको स्टडी करने के लिए, तो हमने डिवाइड किए हैं इनके जो लेयर्स को सॉइल की। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है होराइजन ए, ए होराइजन, ठीक है, वो होती है। अब आपको पता हो, अगर आपने कभी पौधा लगाया या आपने किसी को देखा है घर में पौधा लगाते हुए, तो हम ज़्यादा डिगिंग नहीं करते हैं, थोड़ा सा जो ग्राउंड है, थोड़ा सा सॉयल है, उसको खोदते हैं और उसमें हम प्लांट को प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, है ना। तो क्या, या सीड अगर लगानी है, ज़्यादा डीप सीड नहीं, हम ज़्यादा खोद के ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा हम करते हैं और उसके अंदर हम सीड जो है वो लगा देते हैं, है ना। तो उस टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो वो होता है होराइजन ए। ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल और होराइजन ए। नाउ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी सॉफ्ट, यू नो, वेरी सॉफ्ट एंड इट कैन रिटेन मोर वाटर। आप देखो जब आप पानी डालते हो वो गायब हो जाता है ना, वो सोक हो जाता है उस सॉइल में, है ना, तो वो जो टॉप लेयर है मोस्टली वो सोक कर लेती है। और इसमें बहुत सारे ना, आप टॉप थोड़ा सा खोदेंगे ना तो आपको दिखेगा कुछ चींटियां निकल रही हैं, कुछ मकोड़े से आ रहे हैं उसमें, कुछ कीड़े से जो वॉर्म से आ रहे हैं, अर्थ वॉर्म से दिख रहे हैं, तो ये इसके यहाँ पे रहते हैं, ये इनका शेल्टर होता है, ये इनका घर होता है, ठीक है। तो ये टॉप लेयर जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। देन द नेक्स्ट लेयर इज द होराइजन बी, और इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स जो है वो होराइजन ए तक और कई बार रूट्स होराइजन बी तक भी पहुंच जाती हैं। जो प्लांट्स हमने लगाए होते हैं ना उसके रूट्स मोस्टली होराइजन ए तक होते हैं, लेकिन कुछ डीप प्लांट्स जो बड़े बड़े होते हैं उनके डीप तक भी रूट्स जाती हैं। तो बी जो होराइजन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मिनरल ज़्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमस कम होती है, और यहाँ पे हार्ड होता है थोड़ा सॉइल, ये ज़्यादा पोरस नहीं होता, मतलब इसमें ज़्यादा पानी जो है वो रिटेन नहीं होता। देन कम्स द लेयर सी विच इज नोन एज द होराइजन सी, ठीक है। तो जो होराइजन सी है वो जो थर्ड लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें रॉक्स के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्रैक्स होते हैं यहाँ पे,
तो इसको हम बोलते हैं होराइजन सी। इधर तक रूट्स तो नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे वो हार्ड होता है, तो प्रॉपरली रूट्स जो है उसके डीप थ्रू जा नहीं सकती, तो यहाँ पे यहाँ तक नहीं आती। और लास्ट वाली जो लेयर होती है वो होती है बेड रॉक। बेड रॉक वो होती है वो वाला रॉक जिससे वो सॉइल डेवलप हुआ है ना, बहुत हार्ड होती है वो, तो वो जो डिगिंग से भी हमारे इजीली डिग नहीं होती, उसके लिए बहुत शार्प टूल्स की ज़रूरत होती है जो इस डिगिंग के काम आती है बेड रॉक तक। तो ये हमने की थी सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। फिर हमने ये भी किया था कि सॉइल टाइप्स क्या है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जिस एरिया का रॉक है उधर क्लाइमेट कैसी है, उधर ह्यूमिडिटी कैसी है, उधर पानी कैसा है, उस सब पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉइल बनेगा, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और वहाँ पे पार्टिकल्स का क्या साइज है, मतलब किस रॉक से बने हैं, कई बार पार्टिकल्स का जो जिस पार्टिकल्स के सॉइल बने होते हैं वो रॉक्स जो हैं वो जो सॉइल है वो कई बार ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कई बार पार्टिकल्स छोटे होते हैं, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल कैसे बना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो सॉइल है वो मोस्टली थ्री टाइप्स का है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल हमने किया है लास्ट क्लास में। तो हम फटाफट इसको फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता क्या है। जो सैंडी सॉइल होता है वो उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो सॉइल बना होता है ना उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उस वो इस सॉइल को बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सॉइल जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे के साथ इजीली क्लोजली फिट नहीं होते, तो उनके बीच में थोड़ी सी जगहें रह जाती हैं और वहां पे एयर जो है वो घुस जाती है, तो पानी जो है वो ज्यादा देर रिटेन नहीं होता क्योंकि जगह होती है ना, तो पानी निकल के ड्रिप कर जाता है, वो होल्ड नहीं कर सकता। द अदर टाइप इज द क्ले सॉइल विच इज वेरी सॉफ्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच इज वेरी सॉफ्ट, ओके। और इसमें क्या होता है कि इसमें जगह ही नहीं होती, इसमें पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आपने क्ले के पॉट्स देखे हैं, अब तो क्ले खेलने के लिए भी आती है बच्चों की, अब तो कलरफुल आती है, वो तो कलर तो अलग देते हैं बट कलर तो इसका ब्राउन ही होता है, बट कलर ये जो टॉयज़ के लिए जो खेलने के लिए देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को देते हैं वो अलग, बट ये क्ले आपने देखे कितनी सॉफ्ट होती है, उसको कुछ भी मोल्ड करके आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं उससे। तो ये क्ले सॉइल होता है, ठीक है। और द लास्ट वन इज द लोमी सॉइल विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ओके। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ऑलमोस्ट यू नो अनदर टाइप ऑफ सॉइल विच इज सिल्ट। सिल्ट होती है जिस पतली सी सॉइल जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सैंड और क्ले के बीच के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड थोड़ी बड़ी, क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे, तो उसके बीच के साइज के जो होते हैं वो सिल्ट उसकी बनी होती है। तो जो लोमी सॉइल है वो मिक्सचर होता है इसका, और इसमें जो होता है सिल्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो लोमी सॉइल को इसमें ज्यादा ह्यूमस भी देते हैं और इसमें प्रॉपर कैपेसिटी होती है वाटर भी रिटेन करने की। सो देयर आर थ्री टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ व्हेन वी कम टू द अदर पार्ट दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इन दिस प्रॉपर्टीज मीन्स मतलब सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा सॉइल उसको अच्छा बनाता है, क्या प्रॉपर्टीज सॉइल में होनी चाहिए कि वो हम बोल सकते हैं कि जी ये सॉइल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी तरह क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए सॉइल में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रोकोलेशन रेट ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज दिस प्रोकोलेशन रेट ऑफ वाटर? प्रोकोलेशन रेट क्या होता है कि कितना पानी सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करता है कितने टाइम में, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उसको रिटेन करने की वो उतना अच्छा जो है वो सॉइल होगा, ठीक है। प्रोकोलेशन रेट उसको कहते हैं। आप इसको ना बड़ी इजीली जो है एक एग्जांपल से, एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो। आपने एक नोट भी किया होगा कि जो एक प्लेन रोड होगी उस पे जो अगर आप पानी फेंकेंगे वो गिर जाए, वो रोड पे आगे ही फ्लोट कर जाएगा, है ना, वो निकल जाता है, रास्ता बना लेता है। अगर आप सॉइल कहीं कच्ची सॉइल देख रहे हो, आप उधर पानी डालते हो तो वो कहीं फ्लोट नहीं करता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रिटेन हो जाता है उसमें, है ना। तो टाइम, लेकिन अगर आप ज्यादा डालते जाओगे, जैसे एक पॉट ही अगर आपने घर में रखा है उसमें प्लांट ग्रो कर रहे हो आप, तो उसमें अगर आप पानी दे रहे हो थोड़ा, आप एक जग पानी दे रहे हो, आधे जग पानी तक आपको दिखता भी नहीं है वो पानी कहाँ जाता है, जैसे जैसे वो पानी ज्यादा और ज्यादा देने लगते हो तो पानी जो है वो खड़ा होने लग जाता
है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है उसको पानी को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोकोलेशन सॉयल, सॉरी प्रोकोलेशन रेट। वो सॉइल का अलग अलग, हर एक सॉइल का अलग अलग रेट होता है कि कितना पानी सॉइल को में प्रोकोलेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकोलेशन रेट। ये हम बड़ी इजीली जो है वो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम एक ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने एक प्लास्टिक बॉटल ली जिसको ऊपर से भी तोड़ा है हमने, मतलब ओपन है, नीचे से भी ओपन है, ठीक है, तो उसमें हम वो बॉटल हमने सॉइल पे रखी और उसके ऊपर से हम बॉटल से पानी डाल रहे हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो आप देखोगे कि पानी कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, एब्जॉर्ब होता जा रहा है सॉइल में। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो पानी, उस जो हमने प्लास्टिक की बॉटल रखी है ना जो ऊपर और नीचे से ओपन है, जो बिल्कुल हमने ग्राउंड पे रखी है, उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने वही टाइम नोट करना है कि कितना टाइम वो लेता है पानी एब्जॉर्ब करने में, प्रोकोलेट करने में, दैट इज द प्रोकोलेशन रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम सैंपल लेते हैं, हम देखते हैं, अगर हमने एक सॉइल सैंपल लिया उस पर हम चेक करते हैं कि वो 20 मिनट्स लेता है 200 ml ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, तो उसको हम कैसे फॉर्मूला में डालेंगे, रेट ऑफ प्रोकोलेशन इज इन मिलीलीटर पर मिनट। व्हाई मिलीलीटर पर मिनट, क्योंकि मिलीलीटर का अमाउंट ऑफ वाटर का हो गया और कितने टाइम में लेता है उसको हम मिनट में करते हैं। तो इसका क्या आएगा कि अगर हम, मैंने आपको एग्जांपल दी कि 200 ml जो है वो पानी जो है वो 20 मिनट में होता है, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 minutes will be equal to 10 milliliter per minute. So this will be the rate of percolation in the soil sample. Similarly, you can find the percolation rate in other soil samples also. So this is the very important property of soil which determines different type of soils. किसका percolation rate कैसा है, जो ज़्यादा absorb कर सकता है naturally वो अच्छा होगा, वो ज़्यादा देर तक retain रख सकेगा पानी, है ना। Now the other property of soil is the moisture in soil. Now when we talk about moisture in soil, now you don't have to, you know, you don't have to mix these things. Now moisture soil में कैसा होता है, आप इसकी छोटी सी example घर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप छोटी सी ट्यूब लेंगे, अगर आपके पास छोटा सा ग्लास ही ले लो, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा सॉइल डालेंगे, अगर आप उसको हीट करेंगे ना तो आप देखेंगे जो ग्लास के आस पास ना थोड़ी देर बाद मॉइस्चर आने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है ना। मॉइस्चर क्यों, क्योंकि जो हम पानी देते हैं वो एब्जॉर्ब हो गया होता है, तो वही तो पानी जो है वो रूट्स जो है वो अपने प्लांट को खींचती हैं प्लांट के लिए और ऊपर अपने प्लांट्स को देती हैं पानी, है ना। तो वो मॉइस्चर कितना है, ज़्यादा पानी होना भी प्लांट्स को ख़राब करता है और कम पानी होना भी। सो एक लेवल ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना पानी उसमें इंपॉर्टेंट है, कितना पानी चाहिए है सॉइल में, वो होना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। नाउ यू डोंट हैव टू मिक्स दिस ऑल्सो विद प्रोकोलेशन, प्रोकोलेशन इज समथिंग एल्स एंड एब्जॉर्प्शन इज समथिंग एल्स। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है जिसमें आपने करना है, आप क्या करोगे इसमें, इसकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक फिल्टर पेपर लोगे, एक फनल शेप में उसको बनाओगे और फनल में रख दोगे, ठीक है, और आपने उसमें सॉइल डाल दिया फनल के बीच में, वो उस फिल्टर पेपर डाल के उसमें आपने सॉइल डाल दिया, से अबाउट 50 ग्राम डाल दिया, ठीक है, वेट कितना लिया सॉइल का हमने 50 grams, और आपने उस फनल को एक ग्लास के ऊपर रख दिया। फिर आप पानी जो है उस जो फनल हमने लिया है ना जिसमें हमने फिल्टर पेपर रखा है और उसमें 50 ग्राम सॉइल डाला, उसमें हम वो डालते जाएंगे पानी हल्का हल्का ड्रॉपर से, पानी तो एब्जॉर्ब होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप देखोगे कि फिल्टर जो फनल है उसमें से ड्रॉप ड्रॉप पानी नीचे आने लगा, पहले नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला जो थोड़ा थोड़ा पानी, जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकेगा वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो बचे, जितना एब्जॉर्ब करना है उसमें उतनी कैपेसिटी अगर पूरी हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे देखो ड्रिप करने लगेगा, जो पानी होगा वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप करने लगेगा। तो ये टाइम जो है, पहला कितना कि इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया हमने वाटर का, वो हम नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 100, ठीक है, और अगर फिर फाइनल आप देखोगे जो कि मेजरिंग सिलेंडर में, फाइनल वॉल्यूम हम जब वाटर में देखेंगे कितना बच गया, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ, क्योंकि पहले हमने कितना डाला था और कितने बाद कितना वो बच गया उसमें को माइनस करेंगे, और उसमें हम निकाल सकेंगे कि जितना हमने 50 ग्राम लिया था वो कैसे निकालेंगे, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कि हम फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम को हम कहते हैं यू मिलीलीटर, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर कितना बचा है
हम वी, वो यू माइनस वी हो जाएगा वॉल्यूम जितना एब्सॉर्ब हुआ है ना, क्योंकि जब कब हमने बंद कर देना पानी देना, जब उसमें से निकलना शुरू हो गया। तो स्टार्ट का भी नोट किया हमने, शुरू जब किया था हमने सपोज 100 से स्टार्ट किया था, हमने देखा 50 के बाद नीचे होने लगा, तो 100 माइनस 50 ठीक है, वो आ जाएगा 50 क्या हो जाएगा, कितना सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ, वो वेट ऑफ वो आ जाएगा वाटर एब्जॉर्ब्ड ठीक है। और जब हमने उसका परसेंटेज निकालना है, हमने उसको डिवाइड करना है 50 से, क्योंकि हमने 50 ग्राम ऑफ सॉइल लिया था, और परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से ठीक है। तो ये है absorption of water in the soil. So this is also very important, very very important property of soil. Why? Because it this makes this is very important that depends that the crops depends on these factors. के ये factors अगर सही होंगे तो बहुत सारे different types of crops जो हैं वो properly grow कर पाएंगे ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ज़्यादा पानी भी अच्छा है ना कम पानी भी अच्छा है, तो ये सब important है properties soil की ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सॉयल एंड क्रॉप्स की। जब हम सॉयल एंड क्रॉप्स की बात करेंगे, मैंने आपको यही बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यू नो, हर एक स्टेट की, हर एक यूटी की कहीं की अपनी क्लाइमेट है। कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, कहीं पे बहुत ड्राई होता है, कहीं पे रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप की क्लाइमेट्स है हर जगह की। तो हर जगह जो है सॉयल भी अलग होगा है ना, क्योंकि सॉइल को बनने के लिए ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सॉइल भी अलग होगा, और नेचुरली जो प्लांट्स उसमें ग्रो, हर एक प्लांट हर एक सॉइल पे ग्रो नहीं कर सकता। हर प्लांट की एक कैपेबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल पे ही ग्रो कर सकता है। तो हम ये सारे जो हमने प्रॉपर्टीज की थी ना, इसीलिए की थी कि हर एक जो सॉइल है किस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको मैच करते हैं क्रॉप्स के साथ, कि कौन सा क्रॉप कैसे ग्रो कर सकता है। तो फिर हम वही सॉइल हम टेस्ट करते हैं, हम क्रॉप के साथ मैच करते हैं, हम फिर वही क्रॉप्स वहां पे ग्रो करते हैं ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर हम बात करें क्लेई और लोमी सॉइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सूटेबल होता है सीरियल्स ग्रो करने के। कौन से सीरियल, जैसे वीट, ग्राम ठीक है। और जो सॉइल्स विच, और क्यों, क्योंकि इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ठीक है। और अगर हम बात करें पैडी की ठीक है, पैडी की बात करेंगे तो सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी असेंशियल, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी। कौन सा, क्ले वाला सॉइल जिसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स के वेस्ट वगैरह है ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेंटिल्स, मंसूर की दाल वगैरह जो होती हैं, ये जो दालें होती हैं पल्सेस, ये ज्यादातर लोमी सॉइल पे होती हैं, क्योंकि वो इजीली ड्रेन वाटर कर लेती हैं। और अगर हम बात करें कॉटन की, जो कॉटन प्लांट होता है वो मोस्टली सैंडी सॉइल में होता है, सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी या लोमी सॉइल मतलब उसका मिक्सचर अगर हो तो उस पे वो बड़ा इजीली जो है वो अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर जाता है ठीक है। तो देखा आपने कि हर एक क्रॉप की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि वो हर एक जो है अपने सॉइल, अपने हिसाब के सॉइल पे ही अच्छे से ग्रो कर पाता है ना। जैसे वीट जो है वो ज्यादातर क्लेई सॉइल में होता है, वैसे ही मैंने आपको और भी टाइप्स बताई। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सॉइल को पहले टेस्ट किया जाता है, मतलब उस वो वाला प्लांट कहाँ ग्रो कर सकता है, उसको कैसी क्लाइमेट चाहिए, वो गर्मी में भी ग्रो कर सकता है, कुछ सर्दी में ग्रो कर सकते हैं। आप हिल स्टेशन पे चल जाओ, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, वो पाइन ट्रीज, वो चीड़ के पेड़, वो आपको दिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि वहाँ वहाँ वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, वो इजीली गर्मी वाली जगह पे ग्रो नहीं कर पाते। तो हर एक जो प्लांट है वो अपना सॉइल, अपने हिसाब के सॉइल पे ही ग्रो कर सकता है। इसीलिए हमने ये सारी जो है टाइप्स पढ़ी इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज पढ़ी कि हर एक सॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे वाटर रिटेन करता है, वाटर कैसे प्रोकोलेट होता है, मॉइस्चर कितना होना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, वॉट आर द मेन फैक्टर्स, दैट विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स सॉइल को बनाने के भी काम आते हैं। और ये किस टाइप का सॉइल बना और किस टाइप के क्रॉप्स इस पे ग्रो हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज सॉइल, इन विच वी स्टडीड दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसमें हमने उसकी लेयर्स सॉइल प्रोफाइल किया पूरा, ए हराइजन, बी सी, बेड रॉक, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज सैंडी, क्ले, लोमी है ना, ये हमने किया ना। एंड
द प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल इन विच वी स्टडीड अबाउट हाउ द सॉयल, हाउ द क्रॉप्स, हाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन सॉयल, वट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट, वट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, कैसे वो सॉयल बनता है, किस किस एरिया का सॉयल है, तो ये सब उसमें काम आता है. ठीक है, सॉयल कैसा बनता है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में करा. अब लास्ट में मैं आपको ज़रूर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि सॉइल इरोजन क्या होता है. बस ये लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हमने ये स्टडी किया कि सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना. अगर वो हमारी लाइफ में नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उस पर प्लांट्स ही नहीं ग्रो करेंगे. तो प्लांट्स आपको पता है हमारी ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो गैस देता है, ऑक्सीजन देता है, हम खाने के लिए उस पर डिपेंडेंट है, बहुत सारे एनिमल्स उस पर डिपेंडेंट हैं. तो ये सब जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल, तो हमें उसको बचा के रखना है ना. तो सॉइल इरोजन होता क्या है, द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जो टॉप लेयर होती है प्लांट्स जो पकड़ के रखते हैं, जिधर जो है रूट्स जो है वो टॉप सॉइल पे, मैंने आपको बोला ना रूट्स जो है प्लांट की वो ज़्यादातर हॉराइजन ए तक, टॉप सॉइल तक ही प्रेजेंट होती हैं. तो वो क्या है, वो सॉइल को पकड़ के भी रखती हैं. कैसे पकड़ के रखती हैं, कि उसके रूट से वो उसको होल्ड करके रखती हैं, ताकि जो है सॉइल कहीं उड़े ना, तेज बहाव पानी का भी आए तो वो रूट्स ने उन सॉइल को पकड़ के रखा होता है, क्योंकि वो प्लांट्स होते हैं उन्होंने पकड़ के रखा होता है. तो अगर हम प्लांट्स ही नहीं होंगे वहाँ पे, तो सॉइल अगर ऐसे ही होगा जिस पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करा, तो वो इजीली, बहुत तेज़ बारिश आई तो वो सॉइल जो टॉप सॉइल जो मैंने आपको बोला सबसे रिच होता है मिनरल्स ह्यूमस अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट की, वो ईजिली रिमूव हो जाएगा. तेज़ आंधी चली तो वो उड़ जाएगा. तो उसके लिए क्या है, ये सॉइल, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, कि टॉप लेयर का उड़ना तेज़ बहाव की बारिश से या पानी से, तो वो इरोड हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं, हम इसको ऐसे बचा सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्लांट्स ग्रो करेंगे, हमें प्लांट्स को कट नहीं करना है, ट्रीज़ को जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही ज़रूरत रखनी है. अगर हम कुछ एक काटते हैं तो हमें 10 लगाने चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई कहीं हम घर बना रहे हैं, वहाँ पे एक दो प्लांट्स हमें काटने पड़ गए, तो हमें अपने घर में इंश्योर करना है कि हम उसकी जगह हम 5 और लगाएं. और हम मैं आपको ये एक और सजेशन ज़रूर दूंगी कि हमें हर एक बर्थडे पे एक प्लांट, सिर्फ एक प्लांट, अगर हम सब ये करने लग जाएंगे कि सब अपने बर्थडे पे, हर एक बर्थडे पे, साल में एक बार जो एक दिन में एक दिन आता है आपके बर्थडे का, उस पे सिर्फ एक पौधा लगाएंगे, तो जितने दिन आप, जितने साल आप रहेंगे, आप देखेंगे आपने एटलीस्ट उतने पौधे लगा दिए, है ना. अगर आपने उतने पौधे लगा दिए और फिर आप देखेंगे कि अगर सब ऐसा करने लगे, तो जब हमारी आने वाली जनरेशन्स होंगी वो क्या करेंगी, वो उनके लिए वो प्लांट्स बड़े हो जाएंगे और वो उनकी छाया, उनके फ्रूट्स, उनकी ऑक्सीजन को एंजॉय कर पाएंगे, है ना. तो वो इजीली, वो ये सजेशन आपने अपने घर में भी देनी है सबको, अपने बड़ों को, अपने छोटे भाई बहनों को, आपने ये करना है कि आपने अपने बर्थडे पे एक प्लांट जो है वो रोज़, वो हर बर्थडे पे लगाना है. और उसको सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको पानी भी देना है, उसको खाद भी देनी है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर जाए. तो जितनी देर आप रहेंगे, उतने आप प्लांट्स एटलीस्ट, अगर एक एक भी रोज़ लगाए, हर बर्थडे पे लगाएंगे, तो आपके कितने सारे प्लांट्स, और रोज़ घर में जो है सारे अगर ऐसा करेंगे तो कितने प्लांट्स हो जाएंगे. तो ये इनिशिएटिव आप सब ने अपने घर में उठाना है, और आपने सॉइल को इरोड होने से, इरोजन से बचाना है. क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रखना है. ठीक है, तो इसी बेस पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स बताया है, ये टिक करने हैं, ये बहुत इजी हैं, होल्डिंग, ये मैच तो कॉलम है, जिसमें मैंने अभी हमने करे कि कहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होती है, ये भी हमने सॉइल कैसे बनता है वेदरिंग के प्रोसेस से, कौन सा क्लेई सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डिफरेंस क्या है क्लेई और सैंडी में, इट इज़ क्या है डिफरेंस, कि उसके पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस है, एंड वाटर रिटेनिंग उसमें डिफरेंस है. तो ये सारा चैप्टर जो है इसी पे बेस है, जो कि है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दैट इज द सॉइल. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव
been found this chapter very interesting, and I hope you will go through the chapter on your own also. So all the best to you for your future, and stay safe, stay home. Thank you so much.